हेलो एवरीवन, अभी मैंने आपको करवाए थे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंडिया एंड व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एज एग्रो बेस्ड कंट्री। अब मैं आपको करवाऊंगी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अवर फार्मर्स इन एग्रीकल्चर। हमारे फार्मर्स को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एग्रीकल्चर में, तो उसका फर्स्ट है हमारा आउटडेटेड मशीनरीज। हमारी जो कंट्री की मशीनरीज है, यानी मशीन्स है, यानी इक्विपमेंट्स है, जो वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड है। मतलब अगर किसी ने सपोज करो 50 लाख की कोई इन्वेस्टमेंट एक बार कर लिया, तो ऑफकोर्स हमारी कंट्री का फार्मर तो इतना अमीर होता नहीं कि वो उसे बार बार कर सके। तो एक बार जो वो पर्सन चीज खरीद लेता है, अपने पूरी जन्म, बल्कि अपने नेक्स्ट जनरेशन, अपने बच्चों को भी वो ही देता है, ठीक है। सेकेंड है इसका लैक ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑन टाइम। मतलब जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो समय पे पहुंचते नहीं है, और समय पे पहुंचते नहीं है तो उनका प्रोडक्शन लेट हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट से कोई भी सीड्स मांगे, कुछ भी चीज मांगे, वो समय पे पहुंचते नहीं है, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन लेट हो जाता है। प्रोडक्शन लेट होने का क्या मतलब होता है, उनको लॉस हो जाता है, उनकी अनाज, उनकी क्रॉप सड़ जाते हैं। हमने 10th में भी एक लेंचो वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उनकी क्रॉप सड़ जाते हैं, जिससे फार्मर्स डिप्रेशन में आ जाते हैं और वो अल्टीमेटली सुसाइड कमिट कर लेते हैं। थर्ड होता है ओनली बेस्ड ऑन नेचर। ये सिर्फ और सिर्फ नेचर पे बेस्ड होती है, सिर्फ और सिर्फ नेचर पे बेस्ड होती है कि कब बारिश होगी, कब हमारी क्रॉप्स खोड़ी होगी, कब हम उसे करेंगे, कब हमारी कोई भी चीज, मतलब कब हमारी सनलाइट आएगी, कब हमारी ग्रोअप होगी। मतलब ये नेचर बेस्ड होते हैं, बट बाहर की कंट्रीज में इतने टेक्नोलॉजीज हैं कि वो विदाउट नेचर भी अपनी क्रॉप्स को उसी अमाउंट में ग्रो कर सकते हैं। फोर्थ इसका पॉइंट है लैक ऑफ एडुकेशन। अब आप मेरे से कहोगे, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि इसमें एडुकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, ये लिटरेट भी कर सकता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि क्या आपको समय के साथ बदलाव लाना है, बिकॉज चेंजेस द रूल ऑफ लॉ। आपको क्या समय के साथ बदलना है, क्या आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, कैसे आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहना है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो वो लैक ऑफ एजुकेशन भी आपका बिगेस्ट डिसएडवांटेज होता है। और जो लास्ट बिगेस्ट डिसएडवांटेज होता है वो होता है लैक ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मतलब पैसा, इनके पास इतना पैसा होता नहीं है खुद का। देखो फार्मर तो अधिकतर पुअर ही होते हैं, इनके पास खुद तो इतना पैसा होता नहीं कि अपनी कंपनी का लगा लें, और जो पैसा इनके पास होता भी है, मतलब जो इनका पैसा होता भी है, वो पैसा भी ये अपना लगा लेते हैं। कभी भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड्स, अगर लॉस हो जाता है तो लॉस के बाद हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, कोई नहीं। कोई ऐसा बैंक नहीं होता, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होता जो इन्हें लोन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो ये इसके 5 पॉइंट्स थे प्रॉब्लम फेस पे अगर फार्मर्स इन इंडिया। आप इसे अपने कॉपी में लिखना, मैंने हेडिंग लिखी, आप एक्सप्लेन करना, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।